जेल में काट रही सजा मुख्तार अंसारी की, मुसीबतें अब और ज्यादा बढ़ रही हैं, इसमें इजाफा हो रहा है। वाराणसी कोर्ट ने आज मुख्तार को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में कोर्ट सजा सुना चुका है। हालांकि मुख्तार के वकील ने कहा है कि वो इस मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को 36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुख्तार अंसारी पर डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए असलहे लेने का आरोप था। यह 8वां मामला है जिसमें मुख्तार को सजा हुई है। 467 में ताजराते हिंद आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो 6 माह की सजा और भुगतनी पड़ेगी। इससे पहले भी 7 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है। सितंबर 2022 में मुख्तार को सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के मामले में सजा सुनाई गई थी। सितंबर 2022 में ही हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 2 साल की कैद और जुर्माना लगाया गया था। दिसंबर 2022 में गैंगस्टर एक्ट के एक और मामले में मुख्तार को 10 साल की कैद और जुर्माना लगाया गया। अप्रैल 2023 में ही गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उसे 10 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया। आलमबाग थाने में जेलर को धमकाने के मामले में दर्ज केस में उसे 2 साल की कैद और जुर्माना लगाया गया। जून 2023 में अवधेश राय हत्याकांड मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई। दिसंबर 2023 में रूंगटा परिवार को बम छुड़ाने की धमकी देने के मामले में उसे 5 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया। 30 आम सेट में 6 माह और 2000 जुर्माना के साथ साथ धाराओं में ये पहली बार सुनने को मिला कि मैक्सिमम सजा हुई है। इस सजा के खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। बता दें कि मुख्तार अंसारी ने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के डीएम को प्रार्थना पत्र दिया था और तत्कालीन डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए लाइसेंस ले लिया था। फर्जीवाड़ा उजागर होने पर सीबीसीआईडी ने 4 दिसंबर 1990 को 5 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।